सर दिनेश कुमार चंद्रा सर टुडे टॉपिक हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम ओके दैट मींस हैप्पी टीचर्स अगर आप क्लास में अगर हैप्पी हो गया तो बच्चे भी क्या रहेंगे हैप्पी रहेंगे ओके सो बिफोर दैट आई वांट टू से सर स्लाइड Let us always be each other with a smile. I will take one word from the seminar. I have taken one word, a smile, from the Robert sir seminar. A smile is a word. If you will begin with the day, your day will always be a grateful and a nice one. Okay. So if we will always meet each other at a smile way, your life and your diet day will always be a grateful day. Okay. So for the smile is the always beginning of love. अगर आप उस दिन अगर स्माइल में भी किसी बंदे से अगर आप मिलते हैं तो आप उसके अगर वो मूड अगर उनका खराब है तो हो सकता है कि वो उनका मूड जो है वो चेंज हो जाए अगर आप स्माइल करके अगर आप बात करेंगे तो उससे ओके सो यही आपका ये है लेट अस ऑलवेज मीट ईच अदर तो हम लोग आज से प्रयास करेंगे कि एक दूसरे से जब भी हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा बस स्माइल करके मिलेंगे तो उससे क्या होगा थोड़ा सा मौका आस पास का भी क्या होगा अच्छा रहेगा ठीक है तो नेक्स्ट जो स्लाइड है आपका Are you happy or not? If you are not happy, then you will not create the class happy. Okay, if you are happy, yes I am, then you will create the class very happy and enjoyable mood. And each student will, every one will be very happy with you and will be attractive to you also. अगर आप एक अच्छे teacher हैं, आप अगर happy हैं, तो उस class में सभी बच्चे आपसे लाइक करेंगे आपको पसंद करेंगे आपके साथ मेल जाए मेल जुल रहेंगे आपके हमेशा साथ और अगर आप टीचर एज ए खुश नहीं है तो फिर टीचर जो है आप बच्चों के आप अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे ओके तो बच्चे आपसे दूर होते चले जाएंगे दैट मीन्स यू हैव टू बी हैप्पी जॉयल मूड इन ईच एंड एवरी डे इन द क्लास प्रयास करना है वैसे तो हमारे पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस है अगर आप दोनों को बैलेंस बना के नहीं चलेंगे ना तो फिर आप क्लास में हैप्पी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे टीचर ने कंप्लेंट किया कि सर मेरे क्लास में बहुत से बच्चे क्या होते मेरे से अट्रैक्टिव नहीं होते बोले क्यों क्योंकि ज्वाइनिंग मूड में नहीं रह पाते इसलिए तो ज्वाइनिंग मूड में हो सकता है पहला रीजन है कि आप घर से हो सकते हैं कि ज्वाइनिंग मूड में नहीं आते हो सकता है आपका घरेलू प्रॉब्लम हो है ना घर से आपका परिवार से झगड़ा हुआ हो तो फिर आप जब क्लास में आते हैं तो उसी मूड में रहते हैं उस वक्त में क्या होते हैं हम लोग हैप्पी नहीं रहते और वही मूड से हम लोग क्लास भी चलाते हैं तो उस वक्त बच्चे आपको ध्यान से लिसन भी नहीं करेंगे और आपसे दूर चले जाते हैं ओके तो यही आपका अगर हैप्पी है तो क्लास में आप बच्चों को हैप्पी कर पाएंगे अगर आप हैप्पी नहीं है तो क्लास में बच्चे से आप अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे सीधा सीधी आपका रेशियो नेक्स्ट स्लाइड आर यू अ टीचर बाई चांस और च्वाइस ओके आर यू अ टीचर बाई च्वाइस और अ चांस कहने का मतलब है आप प्रोफेशनली आप इसमें आए हुए पढ़ाने के लिए या फिर किसी ने आपको मौका दे दिया अगर आपको किसी ने मौका दिया है तो जैसे तैसे आप क्लास में आकर के बस पढ़ाएंगे और अपना टाइम पास करेंगे वापस अपना बैक टू द रूम लेकिन और वो भी वो आपका च्वाइस चांस ओके ये चांस ओके हो सकता है कि कोई अगर जान पहचान आपको जो उसको लेकर जाते हैं अब वो क्या करके पीछे घूमते ओके तो बाय चांस दैट मींस यू विल नॉट क्रिएट हैप्पी क्लासरूम इफ यू हैव अ चॉइस दैट मींस यू हैव पर्सनल प्रोफेशनली यू आर डूइंग दैट जॉब दैट मींस फॉर द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स इफ यू आर बाय चांस दैट मींस यू विल ओनली वर्क फॉर मनी केवल आप पैसे के लिए काम करोगे वरना आप प्रोफेशनली काम आप नहीं करोगे चांस मीन्स दैट मीन्स यू विल ओनली डू योर वर्क फॉर योर मनी नॉट फॉर योर प्रोफेशनली लाइफ ओके नेक्स्ट स्लाइड
लेट्स टुगेदर मेक द वर्ल्ड हैप्पियर एंड स्टार्ट इट फ्रॉम द क्लासरूम। अगर हमें इस दुनिया को अगर पूरा हैप्पी खुशनुमा बनाना है तो सबसे पहले हमें क्लासरूम से स्टार्ट करना है, क्योंकि बच्चे ठीक है ऐसा है जो हमारे भविष्य के क्या है निर्माता है। तो हमें हम लोग क्या थिएटर भी हैं और एक तरह से इसको लेट अस टुगेदर मेक द वर्ल्ड हैप्पियर एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लासरूम। अगर हम क्लासरूम से अगर हम स्टार्ट करते हैं बच्चे को हैप्पी रहना जॉयली मूड में रहना, तो इससे क्या होगा हमारे जो दुनिया में क्या होंगे खुशनुमा का पल जो होता है वो क्या होता है आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, अब हैप्पी जो है उस दुनिया में करने के लिए आपको करना क्या होगा, हैप्पी टीचर्स इक्वल टू व्हाट हैप्पी क्लासरूम, हैप्पी टीचर्स इक्वल टू हैप्पी क्लासरूम। जस्ट टाइप इन प्रोपोर्शनल, अगर आप खुश हैं तो आपकी क्लास के बच्चे भी क्या होंगे खुश होंगे, दोनों इक्वल है। मैं मैथ्स फॉर से यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल का साइन है, दैट मीन्स हैप्पी टीचर्स इज ऑलवेज इक्वल टू हैप्पी क्लास रूम। बट हैप्पी क्लास रूम इज ऑलवेज कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स। अब हैप्पी क्लास रूम तभी होगा जब आप बच्चों को क्या करोगे मोटिवेट करोगे, मोटिवेट दैट मीन्स आप उनको बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं तो उनको पता नहीं है कि सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए मुझे या फिर आप सभी को मोटिवेट करना चाहिए। ओके, सो दैट इज देन विल बी योर क्लास रूम विल बी हैप्पी। ओके, अब कंपल्सरी स्टूडेंट्स जस्ट पीसफुल सिटीजन, मैंने बताया अभी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अलग अलग सोसाइटी से आते हैं तो समाज में कैसे रहा जाता है, तो उनको क्या करना होगा उनको बताना होगा कि समाज में कैसे शांति से रहा जाता है और कैसे शांति से जीने दिया जाता है। ओके, दैट इज द स्लाइड दैट विल मेक योर वर्ल्ड हैप्पियर व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लासरूम। नेक्स्ट स्लाइड, वे टू मेक क्लासरूम हैप्पी, वे टू मेक क्लासरूम हैप्पी दैट मीन्स क्लास में बच्चों को कैसे खुश रखना है, क्लास में खुशनुमा पल को कैसे इसको देना है बच्चों को, वो तरीका बहुत सारा यहाँ पर आपको दिया होगा। देखिए सबसे पहला है हैप्पी टीचर्स, फर्स्ट पॉइंट है टीचर्स को खुश रखना, अगर आपको क्लासरूम में बच्चों को खुश करना है तो प्रेज स्टूडेंट्स, प्रेज स्टूडेंट्स समवन इन द सेमिनार टोल्ड दैट प्रेज स्टूडेंट्स ऑलवेज मस्ट प्रेज स्टूडेंट्स, बट इफ स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल ना इमीडिएटली प्रेज स्टूडेंट्स वेल डन वेल गुड एक्सीलेंट, कोई अच्छा काम करता है तुरंत उसी टाइम आप उनको क्या करें अप्रिसिएट करें प्रेज करें ताकि बच्चे जो है वो क्या हो जाए खुश हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने क्लास में बच्चे को मार्क्स बच्चे को लिया था असेंबली के लिए। ओके, तो जैसे ही असेंबली खत्म हुआ क्लास में पहुँचे तो बच्चे को मैंने बोला वेल डन आप उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, तो बच्चे खुश हो गए, तो नेक्स्ट बच्चे तो बैठे उन्हें पीछे सर नेक्स्ट असेंबली आगे। इससे क्या होता है क्लास में बच्चे में क्या होता है जज्बा बढ़ता है कि हाँ सर मैं अगले असेंबली में मैं जाऊँगा। ठीक है, अप्रिसिएट करने का फायदा ये होगा कि क्लास में जब भी मौका मिले तो बच्चे को तुरंत इमीडिएटली क्या करें अप्रिसिएट करें प्रेज करें, चाहे वो हो सकता है कि स्टडी में आप कुछ क्वेश्चन पूछें तो आप बच्चे क्या नहीं जवाब दिया तुरंत बोले वेल डन वेरी गुड, अब हो सके जा करके उनके पीठ पर थपथपा दें तो वो क्या हो जाएगा और भी बहुत सर मोटिवेशनल मूड में वो ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट नो स्टूडेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू वे टू मेक अ क्लास रूम हैप्पी। अगर आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, आई हैव सीन इन द एग्जांपल मनोहर सर, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टिव टू द मनोहर सर, दैट्स व्हाई आई डोंट नो बट दिस टेल मी व्हाई स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टिव टू यू ओनली, सम ऑफ द टीचर ऑल्सो बट आई हैव सीन यू ओनली, प्लीज सेव मी द ट्रिक व्हाई स्टूडेंट्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू यू ओनली। So much you have not assumed in this kind of the things. I just want to tell you one thing. I don't know why the children are very attracted towards me. I think the teaching strategy as I'm just teaching with fun, motivation things and some extra ordinary effort I'm just doing in the classroom. Extra ordinary things I'm just using. And some of the great examples I'm just searching. Actually, the students, they are very happy to see you.
have the great quality to create a sense of humor as a personality, these kind of things you are using on the stage. So this kind of thing, if you have, the student will definitely attract you to some things as well. So all those things that you have. Sense of humor and the personality development. If you have, then every each and every student will apply with you. Okay. So know the students very well. Okay. Give choice. बच्चों को क्या दें? Choice की. Choice दें. अगर मान लीजिए क्लास में कोई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स विषय में खाता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता, अब उनको बोले कि आप अलग मेथड से बनाओ, आपको जो आसान लगे वो मेथड से बनाइए. ठीक है, तो गिव च्वाइस, च्वाइस उनको दीजिए. ओके, तभी आपके क्या होंगे, बच्चे वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और तभी क्या होंगे, आपके बच्चे वहाँ उस क्लास में सभी खुश रह पाएंगे, वरना लाइक सभी ना पसंद करेंगे टीचर को. ओके, फन एज मनोज सर टोल्ड, फन. ओके, अलॉट टाइम फॉर प्लेइंग. अगर सर ले जाते हैं खेलने के लिए तो एक स्पेशली पार्टिकुलर को पीरियड होना चाहिए, हर टाइम बच्चों को नहीं खिलाना, एक स्पेशली सर का पीरियड है, तो उसी टाइम जो है सर अपना लाइन प्लान बच्चों को, और उसी टाइम क्या करेंगे, कुछ मोटिवेशनल कुछ सर बच्चों को बताएंगे. ओके, जब आप बच्चों को प्ले कर ले जाते हैं तो कुछ मोटिवेशनल उस वक्त भी बताइए कि इस तरह खेलने से आपके क्या होंगे, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा, ये खाना खाइए तो आपको क्या होगा, बैलेंस डाइट आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ है. क्रिएटिविटी, क्लास में क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है. दैट मीन्स लॉजिकल थिंकिंग. ओके, लॉजिकल थिंकिंग इज काफी सोच. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो हम लोग लिखा रहे हैं वो केवल लिख लेते हैं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं. दैट मीन्स क्रिएटिविटी, दैट मीन्स यू हैव टू बी अ लॉजिकल थिंकिंग. ओके, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन. ओके, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डरे हुए रहते हैं क्लास में, तो आप लोग हो सकते हैं टीचर की वजह से कि मैं खड़ा हो जाऊँ सर उसमें डांट. तो फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, बच्चों को आज़ादी दीजिए थोड़ा सा बोलने का, क्योंकि हम लोग बी एड जब करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, टू वे होता है, टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो बोथ वे अट्रैक्टिव होना चाहिए. केवल टीचर से केवल बस लेक्चर दिए जा रहे तो फायदा नहीं होगा. तो बच्चों का भी सुनिए फीडबैक कि क्या आपको समझा रहे हैं वो सही है, आपको समझ में आ रहा है, तो उस केस में क्या कीजिएगा, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन. बच्चों को उठाइए किसी बीच में से, आप सुनिए कि क्या है जो मैंने बताया अभी आपको समझ में आया. फीडबैक आपको पॉजिटिव होना चाहिए, और फीडबैक अगर बच्चे तरफ से पॉजिटिव आया दैट मीन्स यू आर गेटिंग द फीडबैक टू द मैनेजर, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत साफिर हो गए. फीडबैक अगर आपका बच्चे का गंदा है तो फिर आपको तुरंत मैनेजमेंट के पास वो बातें चली जाएंगी. ओके, तो फीडबैक बहुत जरूरी है, और फीडबैक तब कब होगा जब आपका पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने का आपका जो तरीका है, अलग अलग तरीके एक्टिविटी होनी चाहिए क्लास में. अगर बच्चे खुश होते हैं बच्चे क्या करेंगे, आपके प्रचार करेंगे, हाँ ये सर ने ऐसा बताया था, फिर वो बात मेरे पास जाएगा, फिर हाँ यस वेरी गुड टीचर, जिससे आप भी खुश हो जाएंगे, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन. हाँ, डीप ब्रेक, जैसे बच्चों का पढ़ा रहे पूरा 40 मिनट से पढ़ाते बताएंगे, है ना. तो सर ने क्या बोला, जैसे अभी आई सर ने जो हमारे रूटीन को चेंज किया, मुझे क्या किया, जो पहला आपका जो 15 मिनट है वो कॉपी चेंज की थी, फिर आपको जो 15 मिनट वो पढ़ाई इस कॉपी पर, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन बीच बीच में कभी कभी ब्रेक भी दिया बच्चों को हल्का फुल्का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं करते, ऐसा नहीं कि लेक्चर दिए जा रहे हैं आप बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, उस वक्त क्या कीजिए बीच में हल्का फुल्का ब्रेक दीजिए 2-3 मिनट का, और उसमें एक क्वेश्चन दे दीजिए ताकि बच्चे अपने से कुछ बना सकें. ओके, ट्वाइस कि बच्चों का नर्सरी एल के जी. ओके मैम, बड़े तो क्लास में नहीं आ सकते बड़े क्लास में, लेकिन ट्वाइस के जरिए जो है यू के जी एल के जी नर्सरी 1-2 में हम लोग खिलौने के द्वारा हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, क्लास को हैप्पी कर सकते हैं. ठीक है, एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटी देना होगा, बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, जैसे बहुत सारे मैंने यूट्यूब में देखा था, आई सर ने भेजा था, आप लोग क्लास में जाकर करवा रहे थे वाई फाई लोगों लगा करके, या फिर किसी चीज़ का ग्राउंड में जिलेबी का काम करके बच्चों को खिलाते थे, तो इससे क्या होगा, बच्चे खुश होते हैं, अब बच्चे खुश होंगे दैट मीन्स आपके क्लास में जब बच्चे जाएंगे वहाँ पर तो वो क्या होंगे, और भी खुश हो जाएंगे कि चले आज मैं जिलेबी खा लूँ, तो बच्चे वहाँ बहुत खुश नुमा रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे. ओके, जॉयफुल लर्निंग, जब भी आप पढ़ा रहे हो तो सीरियस मूड में मत रहिए, सीरियस मूड में रहेंगे तो हो सकता है क्लास में जो है बच्चे जो है ना डूब जाते हैं, सोना स्टार्ट कर देंगे कहीं के बीच में, तो बीच में जाकर बोलना पड़ता जाइए आपको पानी मान करके आइए वापस क्लास में,
ना, तो आपका हमेशा क्लास जो होना चाहिए वो क्या बोलते ज्वाइली मोड में होना चाहिए, सीरियस मोड में कभी नहीं होना चाहिए। कभी कभी जैसे ग्रोअर सभी में क्या करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से अपना कोई शायर शायरी डाल देते, बच्चों खुश हो जाते है ना। तो इस सेंस ऑफ ह्यूमर का बात है सर, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंस ऑफ ह्यूमर। हम सभी टीचर अप्लाई कर सकते हैं, केवल नंबर से नहीं क्योंकि हम सभी अप्लाई करें ताकि बच्चे क्लास में क्या हो जाए खुश रहे। ओके, गेट्स गेट्स वैसे इंगेजिंग स्टूडेंट्स, बच्चे को कभी खुला मत, ठीक है, हमेशा इंगेज रहें। आप कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, बच्चे अगर हल्ला कर रहे हैं आप कहीं बाहर जा रहे हैं वॉशरूम हाथ धोने के लिए तो बच्चे हो सकते हैं क्लास में हल्ला करें। आप इस जाने से पहले क्या करेंगे क्लास में दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आप डाल दीजिए ताकि बच्चे इंगेज रहें। इससे इंगेज रहेंगे तो क्या होंगे बच्चे एक्टिव रहेंगे अपने अपने क्लास वर्क, इससे क्या होंगे ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे, इससे क्या होगा क्लासरूम बिल्कुल आपका पीसफुल रहेगा और आपका क्लास भी क्या होगा हैप्पी होगा। आप भी हैप्पी रहोगे, चलो मेरे बाहर आने के बाद जो है बच्चे शांत हल्ला नहीं करते। और आजकल का जो सीरियस वही चीज़ होता है क्लासरूम, हमेशा बच्चे हल्ला करते रहते, बाहर आते हल्का फुल्का वॉशरूम चले के भी तो बच्चे हल्ला करते रहते, क्या था बच्चे टीचर के मौजूदगी में बच्चे हल्ला करते रहते। मैंने देखा है बहुत से रैपिस अभी बोलते हैं हम लोग बार बार कंप्लेन आता है कि सर आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो एक दो दिन के लिए मुझे क्लास दे दीजिए, देखिए कैसे क्लास शांत कर ना। तो ये सब चीज़ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें कराना होगा ताकि क्लास रूम में ज़्यादा हल्ला ना हो। ओके, यूज़ फॉर ह्यूमर वही सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, जितना आप हो सके आप बच्चों को ज्वाइली मोड बनाने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करें। जैसे ड्रामा, जैसे इंग्लिश में लिटरेचर कोई अगर चैप्टर है सबका कैरेक्टर होता है, आप कैरेक्टर वाइज बच्चों का क्या करेंगे नाम दे देंगे, प्लीज कम हियर योर नेम इज दिस, आप सभी बच्चों को इकट्ठा कर देंगे वो अपना रोल करेंगे। ओके, दिस इज लिटरेचर सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश। प्ले वे मेथड, प्ले वे मेथड आप बच्चों को जब भी पढ़ा रहे हो तो बहुत सिनेमा रूम में क्या कीजिए आप पढ़ाइए। प्रॉपर प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल सर ऑल्सो टेल इफ यू आर गोइंग टू द क्लास आई हैव डन मिस्टेक आई लेफ्ट द कॉपी दैट्स व्हाई सर वाज कॉलिंग मी। ओके, प्रॉपर प्लानिंग आप क्या कहिए लेसन प्लान बनानी चाहिए क्लास में, क्लास में लेसन प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैं लेसन प्लान बनाया हुआ था लेकिन मैं भूल गया नीचे रख दिया था। ओके, हाँ तो प्रॉपर प्लानिंग आपको लेकर के चलना ताकि क्लास में आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल जो प्लानिंग किए हुए वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा टॉपिक हो चुका है तो आप उसी टॉपिक से क्या करेंगे बच्चों को क्वेश्चन देते और कुछ नहीं करना है, तभी आपके बच्चे क्या होंगे क्लास में इंगेज रहेंगे खुश रहेंगे और आपके क्लास भी क्या रहेंगे खुश रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक द विश, सभी टीचर क्या चाहते हैं, सभी टीचर चाहते हैं कि क्लास में क्या रहे बच्चे खुश रहे और क्लास क्या रहे पीसफुल रहे, लेकिन क्या क्या चाहते हैं। सबसे पहले टीचर्स जो है क्या चाहते हैं क्लास हैप्पी रहे, वो अगर मूड खराब रहा हो तो फिर पढ़ाने की मन भी नहीं करता है ना, तो हैप्पी क्लास में होना चाहिए। गुड क्लास विद गुड स्टूडेंट्स, हाँ हम सभी चाहते हैं कि क्लास में सभी बच्चे अच्छे रहे, सब तेज बच्चे रहे उसको पढ़ाने में आसानी होती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। हर क्लास में कोई ना कोई बच्चे ऐसे रहते हैं ना जो क्या होते हैं बहुत लो लेवल पर, तो उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को बहुत सबर करना पड़ता है एक्टिविटी के लिए। ये सारे टीचर की एक्सपेक्टेशन है, मतलब सभी टीचर चाहते हैं कि इस तरह का बच्चे हमारी क्लास में रहें, अगर क्लास में अच्छे हैं तो हमारे बच्चे भी अच्छे होने चाहिए, और अगर अच्छे हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद जो मेरा रिजल्ट है बच्चे का वो भी अच्छा होना चाहिए है ना, गुड रिजल्ट। नेक्स्ट टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट एंड होमवर्क, मतलब क्लास में अगर आप होमवर्क दे रहे हैं तो आप होमवर्क को चेक कीजिए और असाइनमेंट को भी क्या करें आप अगर बच्चे को आपने दिया है तो बच्चे को वापस करना भी है। तो सभी बच्चे आप चाहते होंगे जैसे मैंने सुरेंद्र सर देखा था क्रॉसलिस्ट मार्क्स का, तो उसने सर जो है किसी को मार्क्स नहीं दिए हुए SST में किसी किसी बच्चे को, क्यों, क्योंकि असाइनमेंट जमा नहीं किए थे ना सर, तो आपने जीरो पूरा बैठा दिया, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आप क्या चाहते हैं कि सभी बच्चे नहीं दे देंगे, हाँ तो मैंने बच्चे को कॉल किया कि आपने मार्क्स दिया था या नहीं दिया, तो हाँ सर मैंने असाइनमेंट भी जमा किया था मार्क्स सर दिए भी थे ना, तो वही चीज़ है सभी टीचर चाहते हैं कि बच्चे होमवर्क करके दें और असाइनमेंट भी क्या करें सबमिट करें, अगर सबमिट नहीं करेंगे तो सुरेंद्र सर के जीरो बैठेगा है ना, तो वैसे ही करना है।
डैमिंग दी कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सभी टीचर चाहते हैं कि क्लासरूम हैप्पी के साथ साथ हमारा क्या सिलेबस ही चलता रहे स्मूथली, है ना, क्योंकि सिलेबस की वजह से हम बहुत सारे क्लास रूम देना पसंद। ओके, तो सिलेबस भी कम्प्लीट होते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डिसिप्लिन इंटेलिजेंट वेल बिहेव स्टूडेंट्स। क्लास में बच्चे तेज हो तो टीचर पूछ रहे थे मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता, बस एक बार मैंने बोल दिया बच्चे ने सुन लिया और कुछ नहीं ज़्यादा करना पड़ता। बिहेव द स्टूडेंट्स मतलब वेल बिहेव, आपका डिसिप्लिन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमला भी करते तो उस वक्त आपको क्या सोचते हैं, बच्चे बहुत लड़के हैं बहुत बदमाश हैं, तो आप सोचते हैं कि काश इस क्लास में सभी बच्चे शांत रहते तो मेरा क्लास स्मूथली चलता, मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। ओके, तो ये सारे क्या टीचर्स के एक्सपेक्टेशन है, ये ज़्यादा टीचर्स एक्सपेक्टेशन दैट वांट्स एवरीवन। द नेक्स्ट स्लाइड आई ऑलरेडी टोल्ड यू वर्क एंड लाइफ, प्रोफेशनल वर्क एंड योर लाइफ, सी यू हैव टू बैलेंस वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपको अगर किस इंस्टीट्यूट में टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपको अगर काम करना है बढ़िया से, तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ और आपका जो होम लाइफ आपको बैलेंस लेके चलना होगा। अब ऐसा नहीं कि घर का जो लड़ाई झगड़ा है वो क्लास में आकर के बच्चों पर निकालो, तो ऐसा नहीं करना। तो आप लोगों को क्या करना होगा, या फिर हम सभी को प्रोफेशनल वर्क और हमारे जो जिंदगी का जो लाइफ है वो दोनों को बैलेंस लेके चलना होगा, तभी क्लासरूम में बच्चे हैप्पी रहेंगे। नेक्स्ट, तो इसके लिए क्या करना होगा, फाइंड खोजना होगा। इफ यू आर नॉट हैप्पी आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल दैट मींस एट योर होम, अपने घरों की बात करें, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी हैप्पी इन स्कूल। अगर आप स्कूल के बाहर आप हैप्पी नहीं है तो फिर क्लास में भी बच्चों को आप खुश नहीं रहेंगे। ओके, तो आप लोगों को करना क्या होगा, या फिर हम सभी को आउटसाइड में भी हम लोग क्या अपना खुश रहना पड़ेगा, जैसे हम लोग जाते हैं कभी कभी रेस्टोरेंट कभी कभी बर्थडे, है ना, तो ये सभी बाहर जा करके हम ताकि खुश हो जाए, ताकि अगला दिन फ्रेश एक मूड से आए और बच्चे की क्लास रूम में जाकर के हैप्पी से क्लास को किया जाए। मैनेज करना, मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रोफेशनल लाइफ एंड योर लाइफ मस्ट ऑलवेज बी अ बैलेंस। एक्सरसाइज हम सभी को क्या करना है, हमेशा रेगुलर इंटरवल में बीच बीच में सुबह सुबह या फिर शाम के वक्त में भी हल्का फुल्का कर सकते हैं, जैसे हमारे कभी बहुत सारे जाते हैं शाम को घूमने के लिए, वो सब भी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होगा तो अगले दिन जब आप उठोगे तो नए फ्रेश माइंड से क्लास में जाएंगे और बच्चे को बढ़िया तरीके से क्लास रूम में अपील करेंगे। टाइम हर टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टाइम निकालना हो अपने दोस्तों के लिए और अपने फैमिली के लिए। ओके, सी ट्राई न्यू थिंग्स इन लाइफ, हमेशा ट्राई करते रहना लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करने का। जैसे मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, पहला बार हुआ था एक ऑनलाइन वर्क में, ऑनलाइन वर्क था दैट मीन्स देयर वॉज नो एनी कलेक्शन बट देयर वॉज नो एनी फियर, बट देयर सम फियर है। ओके, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू शो यू। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, यस आई योर डियर, सो डोंट बी फियर। ओके, थैंक यू सर, ट्राई यू। ओके, सो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करने का हमेशा जज्बा रखना चाहिए, ताकि बच्चे आप लोगों से भी देखें तो क्या करें, सीखे कि हाँ सर ने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया है तो मैं भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करूँगा। ओके, चूज फुल हैप्पीनेस अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पी एडल्ट्स इन अ वर्ल्ड वी लव टू बी अ पार्ट ऑफ। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उस दुनिया में आपको हमेशा सोसाइटी के साथ चलना होगा, और सोसाइटी के साथ चलोगे तभी आप समाज में क्या करोगे पाओगे, नहीं तो फिर आप हेलो अकेला रह जाओगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हैप्पी क्लासरूम बिगिंस, क्लासरूम जो है हम लोगों से ही क्लास क्या होता है, हैप्पी शुरू होता है। यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द मास्टर, यू आर द मेकर। आप यस यस, हाउ कैन बी हैप्पी इन द लर्नर, if you are students, if you want to be happy as a learner, if you want to be happy as a learner, you have to spend with your friends
family and society. How can I be a happy learner? How can I be a happy learner? आप एक अच्छे लर्नर कब बनोगे? जब आप एक अच्छा श्रोता बनोगे, आप सुनने की शक्ति रखें. अगर सुनने क्योंकि हमेशा क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बन रहे, तो एक अच्छा लर्नर बनिएगा. यस सर, जी आपका तो छुट्टी ठीक, हम बोल रहे हैं कि ठीक नहीं लग रहा. बच्चे आपको तभी आपको पसंद करेंगे या फिर आपको लाइक करेंगे जब आप बच्चों को बताएंगे कि हु आर यू. जैसे आईपीएस ने बोला था 26 सभी को इंट्रोडक्शन दे 26 है ना, तो पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले हम लोगों के इंट्रोडक्शन होना, फिर बच्चों का इंट्रोडक्शन था भाई. तो पहले आप बताइए बच्चों के आप क्यों है वहाँ पर क्लास में. क्लास आप जब जाते हैं तो आप बताइए बच्चों के हु आर यू, आप क्यों है यहाँ पर. ओके नेक्स्ट, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आप किस लिए बच्चों के सामने यहाँ पर. जैसे कि आपने मैंने दिया था तो वैसा नहीं करना.
बी सपोर्टिव, बच्चों को क्या कि सपोर्ट की, अगर किसी बच्चे का होमवर्क क्लास में नहीं बनाए तो आप ऐसे जाकर के मारिए हो, आप उनसे पूछे क्यों बेटा क्यों नहीं बनाए, सबको प्रॉब्लम बताए लोग कि सर मेरे घर में ये गेट कर गया, ये फंक्शन था इसके वजह से रात पर जाके नहीं बनाए, आप उनके प्रॉब्लम को समझिए, जाके सीधा उसको आप पनिशमेंट नहीं देंगे, है ना। तो उनके बातों को पहले आप सुनिए, बहुत सारे टीचर भी आप हमारे होमवर्क नहीं बनाए सीधा क्लास के बाद बात उनको सुनते ही नहीं, उनकी बातों को सुनते ही नहीं, उनकी पहले बातों को सुनिए, हो सकता है कि उनका रीज़न दे रहे हो, तो बच्चे बता रहा हूँ कि हाँ आपको कंसर्न चल रहा था रात पर जगह बच्चे इसलिए होमवर्क नहीं बना, तो उस वक्त जो है आप बच्चों को सपोर्ट कीजिए, अच्छा बेटा आप अगले दिन बना, है ना, आप सपोर्ट करोगे बच्चा खुश हो जाएगा, वो अगला दिन से देखिएगा गारंटी बोलता हूँ बना करके लाएगा, आप अगर बच्चों की तरह सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट, बी अ हीरो नॉट अ बल्कि जैसा कि सर, जब मैं क्लास में हूँ तो आए थे मैं हीरो मैं हूँ, अगर मैं क्लास से बाहर चला गया जो टीचर देखता है वो इस क्लास के लिए, ओके बोलिए, आपको आपको हमेशा इंस्पायरेशन बनना है। डायमेंशन ऑफ अ क्लास रूम, डायमेंशन ऑफ अ क्लास रूम, क्लास रूम की जो आपकी सीमा होती है वो क्या क्या होती है, उन्हें स्टूडेंट्स क्लास रूम अगर भर्ती आपको रखना है तो स्टूडेंट्स को आपका रहना बहुत जरूरी है, वहाँ पर रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ हमेशा डायरेक्ट फोकस में होना चाहिए, ओके डायरेक्टली फोकस में भेदभाव नहीं करना है। प्लानिंग एंड डिलीवरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू मेक अ लेसन प्लान बिफोर यू आर एंटरिंग द क्लास, ओके। क्लासरूम डायनेमिक्स, क्लासरूम डायनेमिक्स मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोसाइटी, हर अलग अलग समाज से बच्चे आते हैं क्लास में, तो उस वक्त बच्चों को क्या करना है आपको समझाना है सोसाइटी में किस तरह से रहा जाता है, ओके। सो दिस इज व्हाट क्लासरूम डायनेमिक्स। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस, अगर बच्चे क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं डायनेमिक्स विद द हेल्प ऑफ हैप्पी क्लास, अगर आपका क्लास हैप्पी है तभी परफॉर्मेंस अच्छा, क्या हो रहा है आपका बच्चे का अच्छा हो रहा है। क्लासरूम मैनेजमेंट, आपका क्लास रूम का जो मैनेजमेंट है बहुत ही आपका बढ़िया होना चाहिए तभी आपका क्लासरूम क्या होगा हैप्पी होगा। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासरूम डायनेमिक्स इन द प्लेटफॉर्म इज द मेस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोसाइटी, सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन वेयर द सोसाइटी आर गोइंग एंड वी हैव टू लिव इन द सोसाइटी, सो यू हैव टू बिहेव लाइक अ सोसाइटी, ओके। सी, ग्रेट इन्फोर्समेंट द पॉजिटिव बिहेवियर, बच्चों में क्या करना है हमें हमेशा एक धनात्मक, उसको बोलते हैं हिंदी पॉजिटिव एनर्जी होना क्या होना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच होना चाहिए हमेशा धनात्मक, एक इंस्पायरेशनल स्टोरी होना चाहिए बच्चे के पास, ओके। करेक्ट द बिहेवियर विद पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, अगर बच्चे में कुछ ऐसा लगता है नटक नटक करते हैं तो बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, तो आप उनको प्रयास कीजिए अपने मोटिवेशनल स्टोरी से अपने मोटिवेशनल स्पीच से वापस करके बच्चों को क्या करें पॉजिटिव करने का, इंकरेज मोटिव प्रयास करना। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया रहा तभी आपके बच्चे क्लास में क्या होंगे, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज टीचर का लग रहा है कुछ काफ़ी के नहीं आया मतलब ऐसा लग रहा तो बच्चे क्लास में एनर्जेटिक नहीं रहेगी, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट बॉडी लैंग्वेज, ऑल टीचर मस्ट हैव अ प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज इन द क्लास, ओके, देन ओनली द स्टूडेंट विल फील अ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द इनर साइड, अंदर से वो अपने आप को बढ़िया तरीके से महसूस कर लेंगे, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया नहीं रहा दैट मीन्स यू हैव नॉट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, सो ओके, बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इफ यू वॉन्ट टू बी अ हैप्पी क्लासरूम ओके। डेवलप द माइंड सेट ऑफ क्रिएटिविटी ग्रोथ एंड पैशन फॉर लर्निंग, बच्चों में क्या करिए क्रिएटिविटी का प्रयोग कीजिए, प्लानिंग का लॉजिकल थिंकिंग का कोशिश दीजिए, जब एक बार आज सब्जेक्ट क्लास के ऊपर नॉर्मल क्लास में गया था जब क्लास नाइन में आते हैं तो वहाँ पर बच्चों ने बोले सर मैथ बहुत पढ़ लिया कुछ रीजनिंग क्वेश्चन दिया, तो मैंने कुछ रीजनिंग क्वेश्चन दिया बहुत लगभग 10 क्वेश्चन दिया, बच्चे ने 8 क्वेश्चन बना लिया, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो इस तरह से क्या कीजिए कभी कभी बीच क्लास में जब आपको मौका मिलता है कहीं क्लास में जाने का तो कुछ एक्स्ट्रा करवाने का प्रयास करें ताकि बच्चे क्या हो खुश हो, अगला दिन बच्चे ने कॉल किया सर ये रीजनिंग क्वेश्चन कहाँ से लाए, बच्चे ने कॉल किया क्लास नाइन का बच्चा, ओके, तो इस तरह से अगर एक्स्ट्रा करवाओगे
अपना टॉपिक सेलेक्ट करके तो बच्चे भी क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे क्लास से। इंकरेज डायनेमिक लर्निंग कोलैबोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन हमेशा सहयोग करना पैंतीस ओके, हमेशा दोनों का सहयोग होना चाहिए इनडायरेक्टली और ओके। फीडबैक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, हमेशा पॉजिटिव आपको फीडबैक मिलना चाहिए, तभी होगा जब आप क्लास में ज्वाइनिंग रूम में जाएंगे हैप्पी मूड में। ओके सो क्लास वी हैव बीन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।